हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एक और नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, सवेरे के अभी 6:32 हो रहे हैं, ठंड अच्छी हो रही है यहाँ पे। अब जो काफ़ी हो चुका है, घर के सारे लोग जग चुके हैं और बाहर का मौसम दिखाते हैं रिश्ते में कैसा हो रहा है। मॉर्निंग, 2 मिनट निकल चुके अच्छी खासी कपड़े की धुलाई। हमारा हाई गाइस, मैक्रोनी खा रहा है, हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ चलेंगे। तू भी चलेगा घूमने मेरे साथ? हाँ, मैं भी करूँगा। चलो आपको थोड़ी देर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लें। हाय गाइस। हाय। हेलो गाइस, हमारा अभी खाना खाते हुए यहाँ कपड़े धुलते हुए वहाँ बर्तन साफ होते हुए काम शुरू शुरू चल रहा है यहाँ पे, और चलते फिर इसके बाद। गाइस, हम तैयार हो चुके हैं, मैं और जो हमारे हेलो गाइस है। हेलो गाइस। तो बेसिकली ऐसा है, आज हम जा रहे हैं गांव जिसका नाम, किस गांव का नाम है सुरणा, मेरी मौसी गाँव और इसके बुआ के वहाँ। चुप रहे 2 मिनट। तो आज रात हम वहीं पर रुकेंगे, फिर उसके बाद कल वहाँ से हम जाएंगे दुनागिरि मंदिर। हाँ, क्योंकि आए हैं तो इतनी दूर तक तो दुनागिरि मंदिर जाना बनता भी है। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ और मेरे जूते रेडी, सॉक्स पहन चुका हूँ। हेलो गाइस भी हमारा रेडी हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। ये मैं और मम्मी जा रहे हैं, नानी नहीं जा रही आज, नानी घर पर ही है। तो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, देखते हैं कैसा गाँव है। वैसे तो वाइब तो यहाँ की सेम ही आती है, लेकिन तब भी जगह का तो चेंज होता ही है। चलते हैं, मिलते रास्ते में, ठीक है। ट्रैक चलते हैं हमारे, ये हमारे हेलो गाइस चल रहे हैं। तो रास्ता चेंज करा है, हालत खराब हो रही है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई। पहुँचने के बाद मिलते हैं ऊपर, यहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी और गाड़ी में चलेंगे। और चुप रहे यार, एक तो इनने ऐसे मेरी जैकेट पकड़ के, थैला पकड़ के ये ऊपर तक आ रहा है, जिसकी वजह से मैं दुबला थक रहा हूँ। चलो आगे आगे मिलते हैं, पकड़ लिया हमने बैग, चलो मिलते हैं आपको। ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हम आ चुके दुकान पे। वो छोटकू बच्चों ने पापा के साथ, सामने रोड है, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। ये रोड है दुकान के अंदर जो सामने, उस मतलब गाड़ी आ रही है मिले नहीं ले, उसका वेट कर रहे हैं, उसके आते ही यहाँ से निकल लेंगे। हम आ चुके हैं दोराहाट। हेलो गाइस, है ये मार्केट है दोराहाट की, कुछ केमिस्ट्री स्टेशन, और यहाँ से बद्रीनाथ 225 किलोमीटर, जूनागिरि मंदिर 14। हेलो गाइस, क्या खाएगा तू? हाथ पकड़। आ चुके हैं, टैक्सी से भी उतर चुके हैं, हम आए हैं बेसिकली आज सुरणा गांव। पक गए यार, बहुत मूड ख़राब हो गया। ये हमारा गाइच और गाइच गाइच, तुम्हें क्या हो गया? हम गधेरे में आए हैं वो, चल फिर आ, मूड आ रहा। चलो फिर,
तो ये चलते पहले चलते, मूड खराब हो गया। चलो चलो आराम आराम चलिए, गिरिए मत गाइस, गिरना मत। तो चलते घर को, लेकिन जगह तो अल्टीमेट है भाई, व्यू देखो सामने क्या आ रहा है, वहाँ से भी तो बड़ा व्यू आ रहा है जहाँ हम थे, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। लेकिन ठीक है बढ़िया, चलो पहले घर निकलते फिर बात करते हैं। घर पहुंच चुके और गाइस हेलो गाइस, अब आ चुके, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रक था। अब मैं इस घर को, ऐसा है ये तो है भी, ये भी तो एक ट्रेडिशनल हाउस लेकिन थोड़ा अपग्रेडेड है, जैसे कि मैंने दिखाया था ना वो पुराने उसमें, कि जहाँ हम पहले थे अपने नानी के वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे तो लकड़ियों के बनाए हुए थे, तो यहाँ पे ऐसा किया लकड़ी की जगह यहाँ पे ये देखो प्लाई लगा रखी है प्रॉपर। अरे ये कबूतर कहीं का, इसे बिल्कुल चैन नहीं है, इसे क्या करे। अरे हेलो गाइज, क्या कर रहा तू? तो आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब ये भी मतलब एक बेसिकली ऐसा है, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि उत्तराखंड की नॉर्मल लाइफ दिखाने का। और जो अभी आए रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बना पाया मैं, क्योंकि ऐसा था घर से निकले जहाँ तक आए, फिर उसके बाद दोराहाट तक आए, दोराहाट के बाद टैक्सी वाले जिसमें हम आए थे, हम आए बेसिकली सुरणा गाँव एक है जो काफ़ी अंदर जाके पड़ता है, सुरणा गाँव एक चीज़ को इधर आगे पा पीछे मत, सुरणा गाँव बहुत अंदर जाके पड़ता है, तो यहाँ के लिए टैक्सी वैक्सी बहुत देर में मिलती है। तो यहीं के एक लोकल था, उनके साथ आए, उन्होंने भाई तलब मांगो वहाँ फिर आगे लेके आए कि थोड़ा मतलब जो किसी कि रास्ता था तुझे 14 किलोमीटर का, उन्होंने घुमा फिर आगे बना दिया 30 किलोमीटर का, काफ़ी फिर और सवारी घूमता, तो उस चक्कर में थोड़ा हो गया ताकि भैया मैं चलो ठीक है मूड ऑफ नहीं करते। अब यहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं फिर जाते देखते यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ यहाँ का व्यू और मुझे जहाँ पहले थे तल्ली मेरे वहाँ से अच्छा लगा, तो बने रही वीडियो में, मिलते हैं आपसे और मिलाते हैं अपने छोटे भाई बहनों से। हेलो गाइस, हमारा ट्रेडिशनल खाना खाता हुआ सिंपल दाल चावल बड़े प्यार से बैठे खा रहा है, और जो दिखा रहा था ना प्लाई ऊपर, ये देखो उसके अंदर ये है जो है वो जो बना रखा था उस रूम में, सिर्फ कवर्ड करने को बना रखा था। और यहाँ पे जैसे चूल्हा किचन कहेंगे, ये थोड़ा सामान है, ये तो चलो थोड़ा मॉडल हो गया वरना नॉर्मली वैसे ही होगा, मैं खाना खा के साथ हूँ। और हमारा बस हेलो गाइस और खा रहा है, हेलो गाइस मैं कितनी बार बोलेगा, बने रहे वीडियो में, हमारे छोटे भैया भैया आ जाए फिर चलते आपको घुमाने बाहर को मिलाने। ऐसी जगह पर है ना बहुत से लोगों का एक ड्रीम टाइप का होता है, अगर लोकल में चले जाओ देख लो क्या व्यू आता है, घर के सामने इतने मस्त पहाड़, ये इधर पुराने घर, नेचर, अल्टीमेट प्लेस है ये, पहाड़ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे अभी तो ऐसे लग रहे, लेकिन रियलिटी में देखे ना तो कुछ अल्टीमेट ही भाई। यहाँ पे वेट कर रहे हैं बच्चों का हम, कि कोई बालक आ जाए, स्कूल गए पड़े हैं उनके साथ, फिर थोड़ा नीचे एक्सप्लोर करके आए चीज़ों को। बताते रहे सिर्फ मंदिर है, नीचे एक नदी बहती है जो सावन के टाइम पे बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ यहाँ तक घर तक सुनाई देती है। तो वेट कर रहे बच्चों का, आते हैं तो चलते थोड़ा एक्सप्लोर करने, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है नहीं आगे, वो आ पाएंगे तभी हम कहीं जा पाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, चलते हैं बाहर को, कोई अभी नहीं जब बच्चा आ जाएंगे तब। स्टेयर फार्मिंग, हेलो गाइस बोल, हाय शर्मा गए, ऐसा व्यू अच्छा है यहाँ से। यहाँ तो जगह जगह व्यू है, ये पिछले वाले तल्ली मेरे से थोड़ा बड़ा गांव है जिसे हम देख रहे हैं,
सही है, यहाँ की वाइब भी अलग ही है। मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज़ है। और बता क्या हाल है तेरे? चलो सही है, बढ़िया है। यहाँ की वाइब बैठने में थोड़ा शांति से आती है। समय हो चुका है, कितना हो रहा है, 5:25। वापसी घर के लिए निकल रहे हैं, हमारे साथ हमारे छोटे भैया भी चल रहे हैं। तो सही रहा है, क्या था टाइमलेस बनाया यहाँ पे, थोड़ा घूमना है। व्यू पॉइंट अच्छा से शांति थी, मज़ा आता थी जगह पर घूमने में। और चलते घर, आग वगैरह जलाते, आग के सामने बैठते और रात उन्हें का वेट करते। क्या करते थे, पहाड़ों की लाइफ ऐसी होती है, सिंपल और स्लो। चले चलो वापसी घर की ओर चलते हुए, वापसी घर की ओर चलते हुए शाम होने वाली, जिसकी वजह से कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही। चलते ट्रैक करते हुए वापसी घर, कुछ जाते अच्छा हिल रहा था तब से तो आ रहा था, अब ठीक हो गया होगा।